सभी दर्शकों को ज्ञात है, यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। -1 मिनट अब ऑल हम साउथ उड़ान बाउंड से 1 मिनट की माइनस दूरी फोर्टी पर। फाइव सेकेंड्स -50 सेकेंड्स ऑल सीक्वेंसेस साउंड स्टेज रेडी डीबी रेडी। -45 सेकेंड्स -40 सेकेंड्स L110 VHPP ओपन, MOV माइनस 79 थर्टी ओपन। फाइव सेकेंड्स -30 सेकेंड्स रियल टाइम प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड -25 सेकेंड्स L110 VHPP ओपन। -20 सेकेंड्स -15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds Lift off normal P1 Here tracking. we have a majestic lift off of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S-200 मोटर्स थ्रस्टिंग साइमल्टेनियसली जनरेटिंग अ पीक थ्रस्ट ऑफ क्लोज टू 6000 किलो न्यूटन्स इन वैक्यूम। दे आर मेड ऑफ HTPB बेस्ड सॉलिड प्रोपेलेंट 204.5 टन्स इन ईच स्ट्रैप ऑन क्लोज टू 2 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट बीइंग बर्नड ईच सेकेंड। S-200 स्ट्रैपॉन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैप ऑन्स नॉर्मल द कोर स्टेज हैज आल्सो कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन। दिस स्टेज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन 200 स्टेजेस आर सेपरेटेड ऑफ हाइपरबोलिक Earth storable liquid propellants UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान से S-200 स्ट्रैपॉन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल द ट्रैजेक्टरी ऑफ लॉन्च व्हीकल इज क्लोजली फॉलोइंग द प्रेडिक्शन। पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड। जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है।
और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। वी आर 220 सेकेंड पास्ट द लॉन्च टाइम, करंट ऑल्टीट्यूड इज 135 किलोमीटर्स। इन द 200 सेकेंड्स ऑफ इट्स ऑपरेशन द L110 स्टेज कैरीज द रॉकेट अप टू 175.5 किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड एंड इम्पार्ट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 4.18 किलोमीटर्स पर सेकेंड, दैट इज 250 किलोमीटर्स एवरी मिनट। L110 stage performance normal. LVM3 M4 rocket का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N204 तथा UH25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Your stage ignition is authorized. अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है। प्लस 5 मिनट्स। L110 स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ एंड सेपरेटेड। C25 ignition command. C25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 किलो न्यूटन्स थ्रस्ट इन वैक्यूम इज व्हाट द स्टेज डेवलप्स विद इट्स 28.6 टन्स प्रोपेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। Present altitude is to performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकेंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage performance normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included.
a Langmuir probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment, or CHAST, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives normal. Through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS, or laser-induced breakdown spectroscope, is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में तीन पेलोड हैं, रोवर में दो और प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोड भेजा गया है. चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नित भारों का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह अंतरग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे. लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़ खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा. चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं. रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है. यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा. इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा. इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा. रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्भर है शेप स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा. वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है. अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं. सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर. As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. Normal. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also.
विमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM3 M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। पांचवी बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अमृति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक किया करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM3 M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृत्ति प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। क्रियो स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ, सैटेलाइट इंजेक्शन कंडीशन इज अचीव्ड। अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। चंद्रयान 3 हैज अटेन्ड अ मेजर माइलस्टोन सक्सेसफुली। चंद्रयान 3 मिशन अकम्प्लिश्ड, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। दिस इज मिशन कंट्रोल, मिशन डायरेक्टर। द LVM3 M4 चंद्रयान मिशन अकम्प्लिश्ड इट्स प्रेसाइज सैटेलाइट इंजेक्शन कंडीशंस। LVM3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. Up next is address by Secretary DOS Chairman ISRO. Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards Moon. Our dear LVM3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit raising maneuvers and travel towards Moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards Moon. Before that, let me introduce
the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department and of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to apprise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S-200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100%